दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज तो किन किन तो ज़िलों का पेमेंट आया है, और इसके साथ ही आज की डेट के अंदर तो कहाँ के नवंबर के बिल पास हुए, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अभी तो फॉर्म अपलोड वाला प्रोसेस शुरू हो गया या नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो ये कब तक शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तो रिन्यूअल के फॉर्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो इन सब की आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जैसा जानकारी बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी तो ये नवंबर के बिल अभी ये कहाँ तक के पास हो गए, तो आपके नवंबर के बिल आपके ये 27 से 28 तो डिस्ट्रिक्ट का नवंबर का बिल पास हो चुका है। अभी तक जिनका भी नवंबर का बिल पास नहीं, अगर अभी तक जिनका भी नवंबर का बिल पास नहीं हुआ है, तो उनका भी आगामी 4 से 5 दिन के अंदर 100% हो जाएगा। और इसके साथ ही अभी आपके अक्टूबर मंथ का जिनका भी बेरोजगारी भत्ता बका है, उनका 15 दिसंबर से पहले पहले 100% आ जाएगा। और इसके साथ ही अभी तो नवंबर के भी ये पेमेंट आप सभी को पता है कि आना ये शुरू हो गया, और तो बहुत सारे तो डिस्ट्रिक्ट के आ भी चुके। तो आपके नवंबर के पेमेंट अभी ये भरतपुर और तो बीकानेर तो डिस्ट्रिक्ट का नवंबर मंथ का पेमेंट आ चुका है। और इसके साथ ये सीकर तो डिस्ट्रिक्ट का ये कल की डेट के अंदर अक्टूबर मंथ का बेरोजगारी भत्ता आया था, और ये सीकर का अभी तक तो जिनका भी तो बका है उनकी डेट के अंदर आज भी मेरे पास स्क्रीन शॉट आया कि सीकर का अक्टूबर मंथ का बेरोजगारी भत्ता आ गया। यानी कि अभी ये सीकर का तो कल की डेट के अंदर और आज की डेट के अंदर अक्टूबर मंथ का बेरोजगारी बताएगा। और इसी के साथ मुझे भी बहुत सारे तो कमेंट आते हैं कि ये सिकम्ब तो मुझे भी बहुत सारे तो कमेंट आते हैं कि ये सीकर का ये बताया जो अक्टूबर था, अगर ये अक्टूबर का था या नवंबर का, तो आपके अक्टूबर का बेरोजगारी भत्ता था, अभी ये नवंबर का आपका आगामी 4 से 5 दिन के अंदर 100% आ जाएगा। अभी ये जिनका भी है नवंबर, जिनका भी नवंबर मंथ का बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं है, तो उनका भी बेरोजगारी भत्ता आगामी 1 से 2 दिन के अंदर 100% आने की संभावना है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे अभी ये दिसंबर के अंदर तो रिन्यूअल के फॉर्म के बारे में। तो ये दिसंबर के अंदर तो जिनके भी रिन्यूअल के फॉर्म की ये डेट आ गई है, अगर उनको मैसेज भी आ गया है, अगर आपने अभी तक अपने फॉर्म तो ये रिन्यूअल के लिए अप्लाई तो नहीं किया, तो आप अगर आपने अभी तक अपने फॉर्म को रिन्यूअल के लिए अप्लाई अगर नहीं किया, तो आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म को रिन्यूअल के लिए अप्लाई तो कर दीजिए। तो क्योंकि इसके बाद में आपके ये साइट पर आपकी इसके बाद आपकी साइट पर ये एरर आ जाएगा, और आपकी ये साइट भी ये स्लो चलने लगेगी, जिसके कारण तो पिछली बार ही तो बहुत सारे तो कैंडिडेट ऐसे थे तो जिन्होंने ये लास्ट डेट का इंतज़ार तो किया था, और उस समय आपकी ये साइट नहीं चल रही थी, जिसके कारण तो बहुत सारे तो कैंडिडेटों को अपने फॉर्म ये रिन्यूअल तो कराने में ये प्रॉब्लम आई, और बहुत सारे कैंडिडेटों का बेरोजगारी भत्ता ये बंद भी हो गया। तो इसीलिए आप भी ये समय रहते अपने फॉर्म को रिन्यूअल तो करा दीजिएगा, और उसके बाद अपने फॉर्म का स्टेटस ये ज़रूर चेक कीजिए। आपका फॉर्म ये जब तक ये वेरीफाई अगर नहीं हो जाता, तो आप अपने स्टेटस को ये बार बार ये चेक ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही अभी हम तो बात करेंगे कि जिनके भी फॉर्म तो वेरीफाई है, उनके फॉर्म अपलोड तो कब हो गए। अब आपका अपलोड वाला भी ये प्रोसेस आपका तो 20 से 22 ये दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आपके भी फॉर्म अपलोड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अपडेट और वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।